अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे नात। ये नात माइल खैर आबादी की लिखी हुई है। नात उस रस्म को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई होती है। मैं इसके दो शेर पढ़ती हूँ। सबसे अच्छे सबसे प्यारे आँख के तारे राज दुलारे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बताया गया है कि वो सबसे अच्छे और सबसे प्यारे हैं। नात वही जिसमें नबी करीम सल्लम की शान बयान की गई होती है। सीधी राह दिखाने वाले, सच्ची बात बताने वाले, यानी उन्होंने हमें सच का रास्ता दिखाया और हमेशा सच बात कहने का ही कहा। एक खुदा से डरने वाले, नेकी का दम बढ़ने वाले, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरते थे और किसी और को उसका शरीक नहीं ठहराते थे। काम सभी के आने वाले, दुख में सहारा देने वाले, वो हर एक के मददगार थे, खा वो कोई गरीब हो, अमीर हो, गोरा या काला। उन्होंने कभी किसी को किसी पे फोकियत नहीं दी थी। सबसे अफजल सबसे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सबसे अफजल ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अब हम पढ़ेंगे हम आवाज़ अल्फाज। हम आवाज़ अल्फाज वो होते हैं जिनकी आवाज़ आपस में मिलती जुलती है, जैसे नाम, काम, तारे। हम नज़म में से भी अपने हम आवाज़ अल्फाज ढूंढ सकते हैं। तारे, प्यारे, दुलारे, बात, रात, साथ, काम, नाम, दाम। अगर आपके जहन में कोई और अल्फाज हों तो आप वो भी लिख सकते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सी तीन खूबियाँ लिखें। सादिक, वो हमेशा सच बोलते थे। अमीन, बहुत अमानतदार थे। रहमतुल आलमीन, वो पूरी दुनिया पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। उम्मीद है कि आप सबको नात की समझ आ गई होगी। ये मश्क आपने अपनी किताबों पर हल करनी है।